भारत के अलावा कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जड़ें भारत में है। सिख समुदाय के लोग वहां उद्योग से लेकर राजनीति तक में ऊंचे ओहदे पर है। इस नाते भारत और कनाडा के बीच रिश्ते जहां मधुर होने चाहिए, वही दोनों देश अब तक के अपने सबसे तल्ख रिश्तों के दौर से गुजर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। इन दिनों भारत और कनाडा राजनीतिक स्थिति और कूटनीतिक स्तर पर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और इसी बात को दबाने के लिए वह बेबुनियाद आरोप लगा है। गौरतलब है कि बीते दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंट पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में मिलीभगत की संभावना जताई थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और कनाडा के बीच इस तनाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और कनाडा के बीच व्यापार, शिक्षा, प्रवास, टूरिज्म का आदान प्रदान होता है। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर सहयोग, दोहरे टैक्स, विज्ञान और तकनीकी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, शिक्षा को लेकर कुछ समझौते और द्विपक्षीय करार भी है। भारत के कई छात्र कनाडा में रहकर पढ़ाई करते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुताबिक साल 2022 तक भारत के 13,24,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें सिर्फ कनाडा में 1,83,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें कनाडा और भारत के कारोबार के बीच की, तो कनाडा सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 और 23 कनाडा और भारत के बीच विपक्षीय व्यापार $8,161.2 मिलियन था, जिसमें $70 अरब कनाडा का निवेश है। भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 10 साल से बातचीत के बीच फंसी हुई है। भारत सरकार की ओर जारी आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में भारत में कुल 80,437 कनाडाई पर्यटक आए थे, जो भारत आने वाले कुल पर्यटकों का 5.3% है। 2022-23 में भारत ने कनाडा को करीब $4 अरब का निर्यात किया था, वही कनाडा ने भी भारत को $4.5 अरब का निर्यात किया था। निर्यात किए जाने वाले सामानों में भारत की ओर से लोहा, स्टील, फार्मा प्रोडक्ट, कपड़े, इंजीनियरिंग के सामान, कीमती पत्थर भेजे जाते हैं। वही कनाडा भारत को वुड पल्प, पोटाश, आयरन स्क्रैप, दाले, न्यूज़प्रिंट, खनिज, इंडस्ट्रियल केमिकल जैसी चीजें भेजता है। अगर भारत कनाडा के बीच जारी रिश्तों की तल्खी का असर व्यापार पर पड़ा, तो कनाडा में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया के किसी भी दूसरे देश से इन सामानों का आयात कई गुना महंगा पड़ सकता है। और अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के पास अपने व्यापारिक रिश्ते को बैलेंस करने के लिए दूसरे कई विकल्प है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।